हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बैटल पास परचेस करेंगे। होपफुली आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा मेरा बनाया हुआ। अगर गंदा लगे तो फीडबैक दे दीजिए कमेंट में, जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। तो बैटल पास परचेस करते हैं और मैं सभी को बोलना चाहूँगा, 520 CPU वाला वैसे भी कोई परचेस करता नहीं होगा, जो करते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ बेनिफिट है नहीं। जो एक्स्ट्रा इसके अंदर आइटम्स मिलते हैं वो टोटली वेस्टेज होते हैं, कचरा है। इसी 220 CPU वाला बेटर है, क्योंकि उसमें 220 अपने को बैक भी हो जाते हैं वापस, तो वही मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहता है। इसमें अगर कोई अच्छा दें 520 वाले में एक्स्ट्रा लेजेंडरी स्किन्स वगैरह एडिशनल कुछ लगता है तो लें, अदरवाइज ये वेस्टेज है। तो परचेस करते हैं पहले ये। एक्चुअली मेरे 50 टीयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी मैं गेम प्ले कम कर रहा हूँ थोड़ा, तो बैटल पास बाद में ही परचेस करना चाहिए मेरी आप बात पाप मानो तो, बिकॉज पहले हम परचेस कर लेते हैं बाद में पूरा नहीं कर पाते हैं, गेम खेलने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो बेटर है कि पहले 50 टीयर करें उसके बाद गेम खेलें। और फर्स्ट कैरेक्टर अनलॉक हो चुका है, ठीक लग रहा है, ओके, बट इतना कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट स्किन है हमारी ICR है, अकॉर्डिंग टू मैंने जहाँ तक बैटल पास चेक किया था, ओके, बट लगा HVK की स्किन भी पूरी कम्प्लीट ही है, कम्प्लीटली HVK की स्किन लग रही है, बट है ICR, वाओ। एंड हेड्स ऑफ टू कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, कुछ भी। नेक्स्ट है कॉलिंग कार्ड, माय गॉड, है तो कॉलिंग कार्ड भर दिए ना इन्होंने गेम में। नेड है और स्नाइपर, एक्चुअली मुझे स्नाइपर बिल्कुल, मैं स्नाइपिंग तो लाइक नहीं करता, बट जो स्नाइपिंग करते हैं जिनको स्नाइपर्स पसंद है उनके लिए एक अच्छी स्किन है, मे बी उनको अच्छी लगेगी, थोड़ी सी यूनिक है, बहुत कुछ स्पेशल तो नहीं है इसमें। डिफरेंट कैरेक्टर, ओके, ठीक लग रहा है, कैरेक्टर अच्छा है, डिसेंट कैरेक्टर है, बुरा नहीं है। ओह, मुझे लगा मेंटर है, ओपन हो गया, ऐसा मत सोचना, ये इमोट आया है। मेंटर है तो बहुत भारी पड़ी थी, आप लोग वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मेंटर है जब मैंने परचेस किया था तो ऑलमोस्ट 10K CP, माय गॉड, बहुत भारी पड़ी थी मेंटर है। इमोट ठीक था, इतना कोई ख़ास इमोट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। S36, ओके, स्किन है बहुत ही, मुझे तो वाहियात से स्किन लग रही है कुछ, ये बहुत ज़्यादा ही, जो मैं बिल्कुल यूज़ करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लेजेंडरी स्किन S36 बेसबॉल। ये वाली स्किन फिर बेटर है, G40 की लग रही है, नाइस स्किन है एक्चुअल में। कस्टम आयरन साइट भी है जैसा कि मुझे यहाँ तक पता है इस स्किन का, तो ये फिर भी बेटर लग रही है बाकी सब स्किन से तो कुछ अच्छा है कि। ये कैरेक्टर भी ठीक है, यूनिक है थोड़ा, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं अभी उनके मुकाबले बेटर है थोड़ा। डोमिनो रेवोल्यूशनरी अच्छा कैरेक्टर है, मास्क लगा रखा है इसने बिना पानी में डुबकी लगाए। और नेक्स्ट है हमारी रेनिटी की स्किन, रेनिटी एंड देन Type 25, काई जम चुकी है, पता नहीं कहाँ से उठा के लाए ये लोग जंगल में से इस गन को। मुझे बिल्कुल इस बार बैटल पास अच्छा नहीं लगा है, बहुत ही सस्ता सा बैटल पास है। M44 बैकपैक, बिल्कुल यूजलेस चीज़ें हैं ये, बैकपैक कौन यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है, छोटा सा सोप की स्किन, बट मुझे डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाली ज़्यादा बेटर लगती है। और अब आई है हमारी MX9, माय गॉड, MX9 की ये स्किन मुझे कहीं से भी एपिक नहीं लग रही है, बहुत ही वाहियात सी गंदी सी, गोल्डन और ग्रीन कलर का मिक्सचर है इसमें, छिपकली जैसी स्किन है, माय गॉड यार। आप MX9 की मेरे चैनल पे वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेजेंडरी गन, शॉकिंग ड्रॉ था वो मेरे लिए कि मुझे कितने CP में मिली है वो। यहाँ बैटल पास कंप्लीट हो चुका है हमारा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।